नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश्वर प्रीतम उपाध्याय आज आपके सामने सिर में जू हो जाने की, जिसे हेडलाइज कहते हैं इंग्लिश में, उस पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। हेडलाइज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो स्पेशली स्कूल जाने वाले बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चे जब स्कूल में एक दूसरे बच्चे के साथ खेलते हैं या स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्ट्स लेते हैं, तो उनके सिर आपस में क्लोज कांटेक्ट होने के कारण उनकी एक दूसरे से जू हो जाती है, जो उनके सिर में खुजली, दर्द और सिर में दर्द करती है। हेड लाइस छोटे कीड़े होते हैं जो ह्यूमन हेयर्स में पाए जाते हैं और स्कैल्प से ब्लड को चूसते हैं, जिसके कारण सिर में खुजली और दर्द होता है। हेड लाइस पर्सनल हाइजीन का साइन नहीं होते। हेड लाइस मोस्टली हार्मलेस होती हैं जब तक अत्यधिक स्क्रैचिंग के कारण कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन सर की त्वचा में ना हो जाए। लाइस अन्य प्रकार की भी होती हैं, जैसे बॉडी लाइस एंड प्यूबिक लाइस। लाइस तीन चरणों में अपना जीवन पूर्ण करती हैं। फर्स्ट है निड्स। लाइस के अंडे को निड्स कहते हैं, जो बालों में चिपके हुए होते हैं, जिन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। सेकंड है निम्फ। जब अंडे छोटे बच्चों में परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें निम्फ कहते हैं। ये सिर की त्वचा से ब्लड को चूसते हैं और उसी पर अपना जीवन यापन करते हैं। थर्ड है एडल्ट। ये निम्स ब्लड को चूस कर जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एडल्ट कहते हैं, यानी लाइस। लाइस जब सिर में हो जाती हैं तो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं उनमें सिर में अत्यधिक खुजली होती है, कई बार सिर में इरप्शन हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सिर में कुछ चल रहा हो, कई बार अत्यधिक खुजली के कारण नींद नहीं आती है, कई बार लिम्फ नोड्स में भी सूजन आ जाती है। लाइस के रिस्क फैक्टर। इसके लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये स्कूल जाने वाले बच्चों में इसके होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो लोग लाइस इन्फेक्टेड पेशेंट्स का टावल या कंघी इस्तेमाल करते हैं उनमें भी इसके होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या लाइस इन्फेक्टेड पेशेंट का पिलो या बेड शेयर करते हैं उनमें भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग ज़्यादातर ट्रेवल्स वगैरह में रहते हैं और होटल्स के रूम शेयर करते हैं उनमें भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लाइस से छुटकारा पाने की सबसे बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। इसकी जो सबसे पहली बढ़िया दवा है उसका नाम है स्टेपेसेग्रिया मदर ढंचर। ये लाइस को मारने की सबसे बढ़िया दवा है। सिर के जिस भाग में लाइस हो गई हो उस भाग में स्टेपेसेग्रिया मदर ढंचर को आप लगाएं। इसे सप्ताह में केवल एक बार लगाएं। आप इसे 2 से 3 सप्ताह तक लगाने पर देखेंगे कि आपके सिर से लाइस की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। इसकी जो दूसरी सबसे बढ़िया दवा है उसका नाम है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 भी लाइस को मारने की बहुत अच्छी दवा है। ये स्कूल जाने वाले बच्चों पे बहुत ही अच्छा कार्य करती है। स्कूल जाने वाले बच्चों में यदि लाइस की समस्या हो जाए और बच्चा मीठा बहुत पसंद करता हो और उसमें साथ में गैस की समस्या हो और बच्चे को शाम के वक्त उसकी समस्याओं में तकलीफ बढ़ जाती हो, सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती हो, तो लाइकोपोडियम 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से बच्चे की लाइस की समस्या के साथ साथ उसके गैस की समस्या में भी जड़ से निजात मिल जाता है। इसकी जो तीसरी सबसे बढ़िया दवा है उसका नाम है ग्रेफाइटिस 30। ये भी लाइस को मारने की सबसे बढ़िया दवा है। जब लाइस के कारण
सिर में पपड़ीदार पर्त जम जाए और उस पर्त से बदबूदार स्राव का डिस्चार्ज हो और लाइस बालों से चिपक जाए, तो ग्रेफाइटिस 30 की 2 बूंद दिन में 1 बार इस्तेमाल करने से लाइस की समस्या से साथ साथ सिर में जो पपड़ीदार पर्त जम जाती है उससे भी जड़ से निजात मिल जाता। इसकी जो चौथी सबसे बढ़िया दवा है उसका नाम है लैकेसिस 200। ये ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के बच्चों में जो बहुत बातूनी भी होते हैं और दिमाग से बहुत तेज होते हैं, साथ ही साथ उनके स्काल्प जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो हेयर कट कराने से नफरत करते हैं, उन लोगों को लैकेसिस 200 की 2 बूंद दिन में 1 बार इस्तेमाल करने से उनकी लाइस की समस्या के साथ साथ सिर की सेंसिटिविटी में भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। लाइस के लिए जो मैं अपने क्लिनिक में फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ उस फार्मूले का नाम है SRKD फार्मूला। इसमें मैं कैम्फर मदर टिंचर, थूजा मदर टिंचर, जावरांडी मदर टिंचर और एजाइटिका मदर टिंचर को एक साथ बराबर मात्रा में मिक्स कर देता हूँ और पेशेंट्स को बोलता हूँ कि इसको जैतून के तेल में मिक्स करके अपने सिर में लगाएं और आधे घंटे बाद बैक्सन के एंटी लाइस शैम्पू से सिर को वॉश कर लें। आप देखेंगे पेशेंट्स में 2 से 3 सप्ताह में ही लाइस की समस्या हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।